हेलो बच्चों, आज मैं आपको आपकी टेक्स्ट बुक जो आपकी पहली कक्षा की हिंदी की बुक है, हिंदी की पाठ्यपुस्तक है, उससे मैं पढ़ाने जा रही हूँ। तो सबसे पहले आप अपनी पुस्तक का नाम सीखो। यहाँ पे देखिए, आप इस पुस्तक का नाम है झील मिल, ठीक है। इसको पढ़ना सीखिए। आपको मैंने 12 खरी पढ़ाया, आपको पढ़ना आता होगा। तो झील मिल के कोई पूछे आपके पाठ्यपुस्तक हिंदी की पाठ्यपुस्तक का नाम, तो आप झिलमिल बताओगे। और उसको पलटने के बाद यहाँ पे देखिए, आपको आपकी किताब पे यहाँ लिखा है यह किताब डैश की है, मतलब किसकी है, आपकी है। तो आप अपना नाम लिखोगे, जैसे यह किताब अगर लक्ष्मी कुमारी की है या कुणाल कुमार का है, किसकी किताब है, यह आप अपना नाम यहाँ पे हिंदी में नाम लिखोगे, ठीक है। अब हम अगले पेज पे चलते हैं और आज के लिए पार्ट वन हम लोग शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है पार्ट एक, ठीक है, वन। आप ईजे लगा के पढ़ना सीखिए, बोल बोल के पढ़ना सीखिए, और आपको बोलना भी है और लिखना भी है। तो यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे पहले ये वाला जो पहला चैप्टर है, ये आपको सिर्फ बोलने के लिए है, बातचीत करने के लिए, इसमें और कुछ नहीं है। देखिए यहाँ हम पहले पढ़ेंगे ये जो पहला पार्ट है उसका नाम क्या है। उसका नाम है म एकार मे र आकर रा मेरा ग आकार गा चंद्र बिंदी गा व गांव मेरा गांव, ठीक है। ऐसे आप 12 खरी पढ़ा चुकी हूँ मैं, इसलिए आपको पढ़ना आसान होगा इस तरह से। अभी आप देखोगे कि पूरे इन दो पन्नों में जो पेज नंबर वन है, देखिएगा आप, यह एक गांव का चित्र है और यहाँ लिखा है मेरा गांव यानी आपका गांव। तो आप इसे अपना गांव समझो अगर, तो देखो यहाँ क्या क्या है। आप देखिए यहाँ पे नीचे तक मैं आपको पूरा दिखा रही हूँ, क्या क्या दिख रहा है आप मेरे सामने, मेरे साथ साथ आप भी पुस्तक अपनी खोल कर बैठो तो आपको समझ में आएगा। यहाँ एक विद्यालय है, नाम है प्राथमिक विद्यालय, ठीक है। और इस विद्यालय में भी कुछ बच्चे हैं, नीचे हैं, देखिए। इस तरह आप देखोगे पेज नंबर वन में एक गांव का चित्र है, ठीक है। अब आप इस वीडियो को देखते देखते ये पुस्तक का ये वाला पेज निकाल कर मेरे साथ देखो। और आपको करना इसमें क्या है, अगर मैं स्कूल में हम लोग होते, कक्षा में होते, तो मैं आप लोगों से इसके बारे में बातचीत करती, आप ही लोगों से पूछती इसमें क्या दिख रहा है बताओ आप। लेकिन चूँकि अभी हम लोग साथ नहीं हैं, तो मैं आपको इस वीडियो में ही कुछ कुछ प्रश्न करती हूँ जो आप बातचीत करोगे। मैं आपसे बात कर रही हूँ लेकिन आप तो मेरे साथ नहीं कर पा रहे हो, तो आप इस चित्र को देखकर अपने घर में अपने माता पिता के साथ या अपने भाई बहनों के साथ इस पर बातचीत कर सकते हो, अपनी भाषा में, हिंदी में, जैसे भी आपको आता हो। तो इस चित्र में कहीं कुछ और नहीं लिखा हुआ, हम लोग इस पर बात करेंगे, ठीक है। बातचीत करते हैं हम लोग। सबसे पहले मैं आपसे पूछती हूँ कि ये आपका गाँव है, इस गाँव में आपको क्या क्या दिख रहा है, ठीक है। तो अगर आप बोलते हो कि यहाँ मुझे एक प्राथमिक विद्यालय दिख रहा है, ठीक है, तो हम लोग बता चर्चा करेंगे। यहाँ हम एक प्राथमिक विद्यालय हम देख रहे हैं। इस विद्यालय में एक बच्चा अंदर भी या कक्षा के अंदर या विद्यालय के अंदर, देखिए वो खिड़की से झांक रहा है। दूसरी एक लड़की है जो दरवाजे के आधे अंदर आधे बाहर है, एक पैर उसका बाहर एक अंदर है। यहाँ एक शिक्षक खड़े हैं बरामदे पर, और इस कोने पर विद्यालय के बरामदे से एक बच्चा आ रहा है। इधर हम फिर चलते हैं, दूर में एक वृक्ष है, पेड़ है बहुत दूर में थोड़ा, जहाँ गाय खड़ी है उसके नीचे, और एक लड़की है जो विद्यालय की ओर अपने पिता के साथ आ रही है। फिर हम देखते हैं एक दूसरा पेड़ है, इस पेड़ से थोड़ा नज़दीक जो विद्यालय के सामने है, इस पेड़ पर एक पक्षी या एक चिड़िया बैठी है, इसके नीचे एक चापानल है, इस वृक्ष के नीचे भी एक गाय है, एक लड़की है जो बैग टांगे हुए अपने विद्यालय की ओर अपनी बहन के साथ आ रही है या दीदी के साथ आ रही है क्योंकि वो बड़ी बहन है उसकी। यहाँ पे हम देख रहे हैं एक छोटा बच्चा भी विद्यालय की ओर अपनी मम्मी के साथ या माँ के साथ आ रहा है। आप ये सब चर्चा करोगे, बात करोगे। फिर और क्या हम लोग देख रहे हैं, इसमें एक और भी वृक्ष है जिस पर एक तोता बैठा हुआ है, इस वृक्ष के नीचे दो बच्चे हैं जो स्कूल की तरफ जा रहे हैं, विद्यालय की तरफ देखो जा रहे हैं, हाथ में स्लेट और बैग लिए हुए।
एक पेड़ से थोड़ी पीछे लड़की है जो बैग टांगी हुई इस विद्यालय की ओर जा रही है। एक लड़की यहाँ भी है जो अपनी मम्मी के साथ या माँ के साथ विद्यालय की ओर जा रही है। फिर हम देखते हैं चार बच्चे हैं जो बड़ी खुशी खुशी खेल रहे हैं, उछल कूद मचा रहे हैं, खेल रहे हैं, और उनके चेहरों से ही पता चल रहा है कि वो बहुत खुश हैं। उनके हाव भाव हमें ये दर्शाते हैं कि वो बहुत खुश हैं। एक शिक्षिका दिख रही हैं जिनके बगल में एक लड़की खड़ी इन खेलते बच्चों को देख रही है। इसके बाद आप आओ तो इस विद्यालय के समक्ष जो ये पेड़ है, इस वृक्ष के नीचे, इस पेड़ के नीचे तो गाय है, इस वृक्ष के नीचे के पास एक भैंस है, और ये जो दूर वाला वृक्ष था जो हमने पहले बताया था, इसके नीचे भी एक गाय है। इस तरह हम देखते हैं कि यहाँ तीन वृक्ष, एक बहुत दूर, एक ये पास वाला और एक बीच में। दो वृक्षों के नीचे हमें गाय दिख रही हैं, यहाँ और यहाँ, और यहाँ पे इस वृक्ष के पास भैंस। अब इस मैदान के बाहर एक रास्ता है चलने का, और इसके उस पार हम देख रहे हैं कि कई मकान या घर बने हुए हैं जो गांव में लोगों के घर हैं। यहाँ से यहाँ तक हमें कुछ घर नज़र आ रहे हैं इस तरह। और इस गांव में क्या दिख रहा है, इतनी तो हम लोग सारी बातें हमने कर ली, चर्चा कर ली। आप भी आपस में घर में अपने बड़ों के साथ इसके बारे में बात करोगे, अपनी भाषा में भी अपनी मम्मी के साथ बात करोगे, भाई बहनों के साथ। लेकिन आपको कुछ और यहाँ नज़र आ रहा है, मेरे प्रश्नों का जवाब दो। इस गांव में या मेरे गांव, आपका गांव अगर है तो यहाँ आपको और कुछ क्या दिख रहा है? मुझे तो दिख रहा है वो क्या कि ये गांव बहुत साफ़ है, इतना साफ़ सुथरा गांव है, कहीं कोई कचरा या गंदगी हमें नज़र नहीं आ रही है। तो इस गांव के लोग बहुत साफ़ सुथरे ढंग से हैं। प्लस एक चीज़ और हमें दिख रही है, वो क्या कि सभी बच्चे जो विद्यालय की ओर आ रहे हैं या जो विद्यालय के बच्चे हैं, वो खास पोशाक पहने हुए हैं। यानी सभी के जो ऊपर वाले शर्ट हैं या कमीज है या ब्लाउज जो लड़कियां पहनी हैं, उन सब का कलर रंग एक है, सब नीले रंग का है, और सभी के पैंट हो या स्कर्ट हो वो सब भूरे रंग की है। कहने का मतलब विद्यालय जितने भी बच्चे आए हैं या आ रहे हैं, उन सब की पोशाकें एक है, यानी वो सब यूनिफॉर्म में हैं, ठीक है। और शिक्षक शिक्षिका भी है, गार्जियंस भी हैं, पेरेंट्स भी हैं यानी अभिभावक भी हैं, वो अपने माता पिता और बहन सबके साथ आ रहे हैं। तो और दो पक्षियों की हमने बात की, इस वृक्ष पे एक चिड़िया और इस वृक्ष पे एक तोता। इस तरह हमने इस पूरे गांव की अच्छे से चर्चा की है। आप भी ऐसी चर्चा आपस में करोगे, विद्यालय खुला खुलते ही हम इस पर आगे फिर बात करेंगे, ठीक है। अब आप इस चैप्टर के आगे बढ़िए, पेज नंबर 2 में आइए, तो आप देखोगे कि यहाँ लिखा है आगे बढ़ाइए, यानी कुछ नमूने दिए हुए हैं, कुछ डिज़ाइंस दिए हुए हैं, या अक्षरों को हम लोग जब लिखते हैं तो जैसे ये इंग्लिश का सी दिख रहा होगा आपको, तो ऐसे कुछ हैं जिसको और आगे बढ़ाने, इसी नमूने को या इसी पैटर्न को, इसी तरीके को और आगे बढ़ाने कहा जा रहा है। तो आप देखोगे आपकी उंगली से आप यहाँ पे हर जो चित्र है उसके बगल में एक एक उंगली रख के देखोगे। आपकी उंगली हो सकती है, मेरी मोटी उंगली है तो एक उंगली हट रही है, आपकी दो हटेगी, तो इसके बीच के गैप को आप नापोगे और उतने ही गैप पर हर बार उंगली रख के ऐसी डिज़ाइन बनाओगे, ठीक है। पहले इस पर, और ये आप कैसे बना पाओगे, पहले इस पर आप ऐसे हाथ घुमाओगे, ठीक है, आपको ऐसे से हाथ घुमाना है इस पर, देखते जाओ, ये इंग्लिश का सी लग रहा है ना। और इसी डिज़ाइन को लेकिन बराबर दूरी पे करना है हमको, तो हम इसके बीच बीच उंगली रख रख के, अब जैसे ये मेरी उंगली से एक उंगली के गैप पर है, तो मैं अगला यहाँ पे लिखूँगी, यहाँ पॉइंट बना दूँगी एक उंगली पे, और इसको ऐसे करके सी बना दूँगी, ठीक है। फिर इसके बाद एक उंगली रखती हूँ, यहाँ पे पॉइंट बनाती हूँ, और इधर से एक सी लिखा जाता है, ठीक है। अब कोई बड़ा कोई छोटा आपका भी होगा, मेरा भी ये बड़ा हो गया, लेकिन कोई बात नहीं, आपका जैसे भी बने बनाना है, छोटा बड़ा से कोई मतलब नहीं है, बस ऐसी डिज़ाइन होनी चाहिए। फिर एक पॉइंट के बाद, एक उंगली के बाद सॉरी, एक पॉइंट डालेंगे और फिर हम एक यहाँ सी लिखेंगे। तो आपको इस डिज़ाइन को तब तक आगे बढ़ाना है बेटा जब तक कि ये लाइन का एंड ना हो जाए। फिर हम एक यहाँ डालेंगे, फिर इसके बाद यहाँ, अभी और कितने आएंगे, इतने 4 अभी हम और कर सकते हैं। इसी तरह से आपको ये वाली डिज़ाइन देख लीजिए, यहाँ देख रहे हैं हम एक बीच में लकीर है, इसके इधर 2 शून्य है या 2 सर्कल है, बीच में थोड़े गैप है, सटे हुए नहीं है। यहाँ भी आप उंगलियों से नापोगे और बराबर दूरी पर हम लोग यहाँ पे देखिए
हम लोग नापते हैं पहले लकीर को, इस लकीर से इस लकीर को, तो हम देख रहे हैं एक उंगली से भी ज़्यादा हो रहा है, तो मेरी दो उंगली तो नहीं हो रही है लेकिन डेढ़ उंगली मेरे बराबर, तो आपकी दो उंगलियाँ घुस जाएंगी। उसी तरह से हम इसके बगल में, तो हम देख रहे हैं कि ये एक उंगली से थोड़ी दूरी पर है, या हम इस शून्य को ही देखें, दोनों शून्य के बराबर एक उंगली है मेरी, तो हम इसके बराबर एक उंगली यहाँ डालें, यहाँ पे एक शून्य बनाएं, उसके बाद एक लकीर खींचते हैं और फिर एक बनाते हैं, ठीक है। फिर इससे एक उंगली यहाँ पे बीच में हम एक शून्य जैसा बनाते हैं, एक लकीर एक शून्य, इस तरह भी हम उंगली रख रख के कुछ और बनाते जाएंगे। आप लेकिन एक बात ध्यान दो कि मेरी उंगली मोटी है इसलिए एक उंगली हो सकता है आपकी दो उंगली की गैप हो, आप अपनी उंगली नाप के करोगे। यहाँ देखिए यहाँ की डिज़ाइन लग रही है, एक सीधी सी है एक सी उल्टी है, यहाँ भी मेरी उंगली एक से कम ही है दूरी, तो और इसके गैप के बीच भी नापेंगे तो इसके गैप के बीच से अगर हम नापते हैं तो ऐसे बनता है, लेकिन ये थोड़ा सटा हुआ है, ठीक है, बहुत ज़्यादा सट गया मेरा। तो आप ऐसे बनाओगे डिज़ाइन, यानी कि इसको भी आगे बढ़ाते जाएंगे जब तक कि, इसी तरह से आप इन सबको करोगे, ये आपका होमवर्क होगा, लेकिन एक दिन में आप सिर्फ एक पेज करोगे और इसके फ़ोटो खींच के मुझे भेजोगे क्लास के ग्रुप पे, जहाँ मैं इसका करेक्शन करूँगी, ठीक है। ये एक दिन के लिए होमवर्क है। फिर आप इस ऐसे ही और भी पैटर्न है जिसको आगे बढ़ाना है, यहाँ भी आगे बढ़ाइए, आप ये पढ़ना सीखो और बोल बोल कर पढ़ना सीखो बच्चों। आ गए कर गए आगे, ब ढा कर ढा बढ़ा, छोटी ए बढ़ाइए, इस तरह हम लोग बोल बोल के पढ़ेंगे, जब भी पढ़ेंगे घर में बोल के पढ़ेंगे। और अब ये तीसरा पेज नंबर 3, ये एक दिन का होमवर्क है, इतना कर लोगे, इसको मुझसे करेक्शन करवा लोगे फ़ोटो भेज के, अगले दिन नेक्स्ट डे आप इसको बनाओगे पेज 3 का। तो इसमें भी वैसे ही है, आप उंगली के गैप गैप पर इस चित्र को आगे बनाते जाओगे। देखो जो आपसे नहीं बने आप अपने घर में मम्मी पापा से हेल्प ले सकते हो, मुझसे भी पूछ सकते हो ऑडियो भेज के। अब देखिए यहाँ पे जो एक चित्र है, इसकी बात मैं कर लूँ, ये आपको इंग्लिश का एम लग रहा है लेकिन थोड़ा तिरछा जैसे, या फिर आप पहाड़ बनाते हो, बच्चों को जब भी पहाड़ बनाने कहा जाता है ना, आप लोग ऐसे बनाते हो, ऐसे 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 बनाते हो, तो ये बिल्कुल उसी तरह की आकृति है, ठीक है। तो आप देखो ये कैसे बना हुआ है, आप इस पर हाथ, इन सब पे पहले आप हाथ घुमाओगे तभी आपका बनेगा। तो आप क्या करोगे, जैसे इस पर हाथ घुमा के ये पूरा बना लिया, फिर इस पर हाथ घुमाएंगे हम लोग ऐसे, फिर इस पर हम लोग हाथ घुमाएंगे तभी आपको आगे बनेगा, ये नहीं कि आप सीधे बनाते जाओ, इन सब पे आपको हाथ घुमाते जाना है तब बनाओगे। फिर इसको यहाँ पे हम ऐसे धीरे धीरे, बहुत स्लो अस्थिर से धीरे धीरे हम लोग हाथ घुमाया करेंगे, ठीक है। अब इधर आते हैं, इस पर देखिए ये तिरछी रेखा है, एम में तो हम लोग स्ट्रेट डालते हैं ना, ये तिरछी रेखा है, स्लैंटिंग लाइन, फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे, बिना हाथ हटाए, देखिए बिना हाथ हटाए ऐसे किया हुआ है। तो इधर भी हम हाथ घुमाएंगे ऐसे 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 और ऐसे। अब हम इसके बीच की गैप को नापेंगे, इसके बीच की गैप को, तो यहाँ से बनेगा, तो हम ऐसे 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 बनाएंगे, फिर एक गैप डालेंगे और यहाँ बिंदी डालेंगे, यहाँ से ऐसे ऐसे ऐसे, इस तरह हम बनाते जाएंगे, ठीक है। ख़राब भी बना सकते हो जैसा बने, लेकिन धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे। इस पेज का फिर एक आगे हम देखते हैं कि क्या है, तो नहीं तो आगे हम लोग दूसरे दिन पढ़ेंगे, आज यहीं तक, ओके। मज़ा आया, इस तरह आप ये दो दिन में दो होमवर्क बनाओगे और इसके बारे में बातें करेंगे, करोगे, चर्चा करोगे, ठीक है, ओके, बाय।